डियर स्टूडेंट, अब हम मिडल सेकंड मिडल जो सी है राइट मिडल उसको सॉल्व करेंगे कि टू कॉस स्क्वायर जेड माइनस वन ये इनमें से किसी एक के इक्वल होता है। तो टू कॉस स्क्वायर जेड माइनस वन लिखें जी। टू कॉस स्क्वायर जेड माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू कॉस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस वन टू। हाँ जी, कॉस ऑफ समथिंग क्या है, ई आयोटा समथिंग प्लस ई माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर माइनस वन। वेल, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो टू क्या आ जाएगा जी, ई टू आयोटा जेड, इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने अभी ऊपर देख ली, ई माइनस टू आयोटा जेड प्लस हाँ जी क्या है, टू ई आयोटा जेड इंटू माइनस आयोटा जेड ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी और डिवाइडेड बाय क्या है जी फोर और माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पर नीचे तो टू आ जाएगा, ई टू आयोटा जेड प्लस ई माइनस टू आयोटा जेड और प्लस टू। वेल, और आगे से क्या आ जाएगा जी, माइनस वन है तो टू एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू आयोटा जेड प्लस ई माइनस टू आयोटा जेड प्लस टू और माइनस टू कैंसिल होकर ई आयोटा ऑफ 2z प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा ऑफ 2z डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, तो देखें आपके पास आ चुका है कि ई आयोटा ऑफ समथिंग प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग। तो समथिंग क्या है जी, 2z, तो डेट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब आप ले इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जी। तो देखें जी, राइट हैंड साइड पे भी आप देखेंगे यही आएगा, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जी। ओके जी, अब इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन साइन ऑफ जी का स्क्वायर के, और इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन ऑफ समथिंग क्या होता है जी, ई आयोटा समथिंग माइनस ई माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का होल स्क्वायर। वेल, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 2 ई ऑफ 2 आयोटा जी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ जी प्लस माइनस टू टू आयोटा जी। ये सिंप्लीफिकेशन आप ऊपर कर चुके हैं इस केस में, तो लिहाजा इसलिए मैं जरा क्विकली कर रहा हूँ इसको, अदरवाइज आप इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर यही चीज आप लिखें, माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई टू, हाँ जी टू आयोटा, टू का स्केयर फोर और आयोटा स्केयर, चले इसको बाद में हम लिख लेंगे, तो 1 माइनस ये 2 इससे कैंसिल तो 2 आ गया और डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा जी, e 2 आयोटा z प्लस e माइनस 2 आयोटा z और माइनस 2 आ गया, माइनस 2 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 2 एलसीएम, ओके 2 एलसीएम और आयोटा स्क्वायर ये माइनस 1, ये भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस चले बाद में कर लेते हैं इसको, 2 आयोटा जेड प्लस ई ऑफ माइनस 2 आयोटा जेड और माइनस 2 है, 2 एलसीएम लेंगे आप क्या आएगा जी, 2 एलसीएम लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा जेड प्लस ई माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल। तो आप देख सकते हैं अब कि ई आयोटा ऑफ 2z प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा ऑफ 2z डिवाइडेड बाय 2, वंस अगेन आप देख सकते हैं डेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2z, डेट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा आइडेंटिटी थी, हमने इसको प्रूव किया। इसकी बहुत सी और दूसरी आइडेंटिटीज हैं आपके बुक में, आप उनको जरूर इसी तरह आप प्रूव करें।